स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और हम देखे हैं कि हम लोगों का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या किसी तरह जो भी जो सुविधा होना चाहिए हम लोगों के क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, कोई भी विकास नहीं किया। हम यहाँ टीका टिप्पणी तो नहीं करेंगे, हम लोग पिछले 3 साल से संस्था के माध्यम से, बाबूजी के नाम से जो संस्था चल रहा है उसी के माध्यम से हम लोग दिन रात सभी लोगों का सेवा कर रहे हैं, और बेहतर करने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। आज हम लोग शोषित समाज दल जो हमारा छाप है आरी, उससे हम लोगों ने यहाँ पर्चा भरा है। अगर हम जीतते हैं तो बहुत विश्वास और जिम्मेदारी के साथ यहाँ सभी लोग सामने ये बात कह रहे हैं कि कोई भी हमारा परिवार सहार दरारी का पटना या विभिन्न जगह पे नहीं जाएगा इलाज के लिए, उनका इलाज इसी जगह पे होगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगा। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने ये पर्चा भरा है, और पिछले 3 वर्षों से राजदेव राम संस्था सहार तरारी भोजपुर सभी के हित के लिए, सभी के परिवार के खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहा है निस्वार्थ भाव से। युवाओं के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा सोचा है? युवाओं के लिए हम लोगों का हर हाथ रोजगार, पिछले 2 साल से हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए हम लोग हर हाथ युवाओं को रोजगार के लिए, रोजगार कार्ड हम लोगों ने अपने खर्च से 100 रुपये का वो कार्ड होता है जो हम लोगों ने वो दिया है, जिससे बहुत सारे युवाओं को हमारे नौकरी मिला है। आगे भविष्य में भी जब संस्था और अच्छा पोजीशन पे आएगा आर्थिक रूप से हर तरह से, तो हम लोग और युवाओं के लिए उसको बड़े पैमाने पे हर घर युवाओं को रोजगार कार्ड पहुँचाएंगे। आपका फंडा क्या है, क्योंकि अगर आपके यहाँ की जनता जिताती है तो उनके लिए आप क्या क्या करेंगे? अगर हम यहाँ जन सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले जो भी हम लोगों के ब्लॉक में भ्रष्टाचार है उसको दोनों प्रखंड से हम दूर करेंगे। यहाँ जो दलाली वाला काम होता है कि पहले दलाल को दीजिए उसके बाद पेपर वर्क का काम बढ़ेगा, सबसे पहले अगर हम जीतते हैं तो मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि जो भी ब्लॉक पे जो भी काम होता है वहाँ विधायक का प्रतिनिधि रहेगा, वो सीधा उनके पास कागज़ जाएगा, और जो भी कागज़ होगा उनका काम रहेगा विधायक प्रतिनिधि का कि वो तुरंत वो काम करवाए बिना किसी तामझाम का। जो अभी का जो सिस्टम है, अगर आप एक कागज़ कोई साइन कराने कहीं जाइए तो आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, ये सिस्टम ही भ्रष्टाचारी हम लोग मुक्त कर देंगे दोनों प्रखंड से, जिससे सीधा गांव वालों को लाभ होगा हर तरह से, चाहे वो जो भी सरकारी योजनाओं को जिनको लाभ मिलना चाहिए वो सारा डायरेक्ट उनको मिले। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग क्या कहते हैं लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। संस्था पिछले 2 वर्षों से जो है, जो पिछले 3 वर्षों से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स, कंप्यूटर क्लासेस और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया है अब गिल्ला अंजुम साइंस पॉइंट में कोचिंग सेंटर में। तो आगे भविष्य में, क्योंकि संस्था के बहुत बहुत अपने आप में वो सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, रोजगार सब पे हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 3 वर्षों से लगातार। अगर यहाँ का सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है, अगर नहीं भी मिलेगा तो जो हम लोगों का संकल्प है, जो हमारा सीमित संसाधन है, उसके ऊपर हम लोग काम करते रहेंगे दिन रात। आप किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं? हम शोषित समाज दल से चुनाव लड़ रहे हैं, शहीद जगदेव प्रसाद जी का पार्टी है ये, उन्हीं के नाम से उन्हीं के पद चिन्ह पर ये चल रहा है पार्टी, और हमारा छाप है आरी छाप। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, 196 तरारी सहार से हम विधानसभा का चुनाव 2020 का लड़ रहे हैं शोषित समाज दल से, गांव मथुरापुर। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय राजदेव राम भूतपूर्व विधायक साहब। प्रकाश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।